हेलो प्यारे बच्चों, हम सभी ने लास्ट क्लास में 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 तक किया और एक कंडीशन के लिए सॉरी कि पिछले 2 दिन से क्लास नहीं आ पा रही है थी, क्योंकि बारिश इतनी तेज थी कि मैं अपने घर से रिकॉर्डिंग के लिए आ ही नहीं पा रहा था। लेकिन आज कंट्रोल में है सब, तो आए हैं और आज कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे हम इसे लंबी क्लासों तक लेके चलेंगे और जल्द से जल्द इस चैप्टर को खत्म करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिया था, आज 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। चलो बच्चों, ये शुरू करते हैं। आपसे क्या बोला गया है? आपसे बोला गया है कि एक एपी में 50 टर्म्स हैं। अरे बच्चों, सीधी सी बात बताओ, आप 50 तक की गिनती बोलना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में 50 50। तो लास्ट में क्या आया? 50। तो बस बच्चों, अगर इस एपी में 50 टर्म है तो लास्ट में कितने टर्म होंगे? 50 टर्म। लास्ट वाला जो टर्म होगा वो कौन से नंबर का होगा? 50 टर्म होगा। भाई, आप जो भी गिनती, जो भी काउंटिंग लास्ट पे छोड़ेंगे वही आपका लास्ट टर्म होगा। सही बात है। अगर आप 100 तक गिनती काउंट करते हैं तो भाई लास्ट में आप क्या बोलेंगे? 100। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका लास्ट टर्म क्या हुआ? 100। तो हमें ये देखा कि जो भी नंबर का टर्म होगा लास्ट में वही हमारी टर्म होगी। तो जब इसमें 50 टर्म पहले ही दिए हुए हैं तो लास्ट टर्म कौन सा होगा? 50। बाकी आगे की बात ये कही जा रही है इसमें कि इसमें थर्ड टर्म की वैल्यू आपको दी गई है। थर्ड टर्म की वैल्यू आपको दी गई है कितनी? 12, और लास्ट टर्म की 106। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ठीक है, लेकिन इस पूरे एपी के कंडीशन में क्या हमें कहीं फर्स्ट टर्म दिया है? नहीं। कॉमन डिफरेंस दिया है? नहीं। जब नहीं दिया तो लेट करेंगे। हाँ जी, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, तो क्या मानेंगे? ए माना एपी का प्रथम पद ए, एंड द कॉमन डिफरेंस, एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी डी, तथा एपी का सार्व अंतर, एपी का सार्व अंतर डी। नाउ, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी में प्रश्न अनुसार क्या बोलेंगे हम कि भाई थर्ड टर्म, थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है हमें? 12। थर्ड टर्म ऑफ एपी कितना दिया हुआ है? 12। इट मीन्स ए थ्री इज इक्वल टू 12, और ए थ्री के बारे में हमने क्या सीखा है? ए प्लस में 2d, 12। अब ना हमारे पास ए है ना डी है, तो इसको इक्वेशन बना देंगे। नाउ, अब क्या बोला है? लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कितना दिया हुआ भाई? 106। अब जब टोटल टर्म आपको पहले ही बता दिया है कि 50 है, तो भाई लास्ट टर्म कौन सा होगा? 50 टर्म होगा। और ए 50 को खोलेंगे तो ए प्लस में 49d, 106। अब ना ए है ना डी है, तो इक्वेशन नंबर सेकंड, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो ए प्लस में 2d बराबर 12, ए प्लस में 49d बराबर में 106, माइनस माइनस माइनस, भाई ए से ए कट गया, 49 में से 2 गया माइनस का 47d, 106 में से 12 गया माइनस का 94। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, भाई 47 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां पर आके करेगा डिवाइड, 47 टू जा 94, 47 टू जा 94, तो इट मींस डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 2। अब क्या करेंगे? पुट डी इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, किसी में भी रख दो, फर्स्ट में रखना चाहो फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रखना चाहो सेकंड में रख लो। ठीक है भाई, तो क्या लिखेंगे हिंदी वाले? डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए डी की वैल्यू कितनी है? 2। तो ये 2 2 जा 4, बच्चों प्लस का 4 वहां जाके माइनस, इट मींस 8, ए की वैल्यू 8। नाउ हाँ जी, अब क्या करेंगे? ए भी आ गया डी भी आ गया, तो अब क्या करेंगे? हाँ जी, क्या बोला है हमें? 29th टर्म, और 29th टर्म क्या होता है? A29, और A29 क्या होता है? A प्लस में 28, D, A कितना है? 8, D कितना है? 2, 8 प्लस में 56, और ये 64, क्या गया? 64। ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए वीडियो पॉज कीजिए और इसे नोट कीजिए, ठीक है? कर लिया होगा आपने वीडियो पॉज करके।
ठीक है, रब कर रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी आर 4 एंड -8, विच टर्म ऑफ एपी इज 0। देखो बहुत सिंपल, इस क्वेश्चन में भी आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं दिया। पहली बात तो वही, आप यहां पे वही वाली लाइन लिखेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, तो लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी ए, यानी हिंदी वाले वही लिखेंगे, माना भाई एपी का प्रथम पद ए, एंड द कॉमन डिफरेंस, एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी डी, हिंदी वाले लिख लेंगे एपी का सार्वंतर क्या है बच्चों, डी है। एपी का सार्वंतर क्या है, डी है। ठीक है बच्चों, अब देखो ये बातें कॉमन है जो दोनों के लिए सेम ही है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई आपके पास थर्ड टर्म 4 है, थर्ड टर्म आपके पास दिया गया है 4, तो यानी a3 = 4। a3 को ओपन कीजिए, a प्लस में 2d 4, ना a है ना d है, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ और आपसे बोला गया है कि नाइन्थ टर्म -8 है, नाइन्थ टर्म नौवा पद -8 है, तो यानी a9 = -8। ओपन करो, a+8d = -8, इक्वेशन नंबर सेकंड। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या है, a+2d = 4, a+8d = -8, तो माइनस माइनस और ये प्लस, पता है ना साइन चेंज हो जाएगा, तो a से a कैंसिल, 8 से 2 के बच्चों -6d, 8 और 4 कितना होता है बच्चों 12, -6 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है और यहां आके क्या करेगा, डिवाइड, 6 2 जा 12, 6 की वैल्यू -2, यानी d की वैल्यू कितनी बच्चों -2। अब d आ गया तो आपको पता ही है, पुट d इन इक्वेशन फर्स्ट, d का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक क्या है, a प्लस में 2d = 4, a हमें पता नहीं, d पता है, d कितना है -2, तो ए प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, -4 बच्चों उस तरफ जाके क्या बन जाएगा, प्लस, और ये बन जाएगा 8, तो ए की वैल्यू कितनी आई बच्चों 8 आ गई। लेकिन ए भी मिल गया, डी भी मिल गया, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें कह रहा है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, इस एपी का कौन सा टर्म 0 है। तो बच्चों याद करो, आपको याद याद करना पड़ेगा ये कि बच्चों मैंने an बताया था, एक an, और an का नाम दिया था मैंने क्या, एनी टर्म। क्या नाम दिया था, एनी टर्म, यानी जब भी कोई भी टर्म निकालने की बात की जाए तो आप an का फॉर्मूला लगाओगे। तो आपसे क्या बोला गया है, कौन सा टर्म 0 है, इसका मतलब आपको ये तो पता है कि हमें एनी टर्म निकालना है और उसकी वैल्यू क्या पूछी गई आपसे, 0। आपसे बोला गया है विच वन ऑफ द टर्म इज 0, यानी विच वन ऑफ द टर्म इन दिस एपी इज 0, मतलब इस एपी में कौन सा टर्म 0 है। तो भैया इस एपी में कौन सा टर्म, एनी टर्म 0 है, तो इसलिए हमने इसको क्या रखा, 0 के बराबर। तो बस a प्लस में n माइनस 1d = 0, a की वैल्यू 8, d की वैल्यू -2, 0, प्लस का 8 वहां जाके माइनस का 8, -2 यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां डिवाइड, माइनस से माइनस कट गया 2 4, n माइनस 1 = 4, माइनस 1 यहां पर आके प्लस, और n की वैल्यू 5। इट मींस बच्चों कि फिफ्थ टर्म है जिस पे इस एपी का टर्म क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं, कीजिए। करिए बच्चों इसको, चलिए बच्चों ये हो गया। अब नेक्स्ट बच्चों, पंखे की थोड़ी सी आवाज आ रही होगी, ठीक है, सॉरी उसके लिए।
चलिए हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी इज एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। ठीक है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। चलो बच्चों, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ। ये है एक प्यारा बच्चा बाबू, ठीक है जी, और ये है एक प्यारा बच्चा क्या, छोटू, ठीक है जी। इस बच्चे का नाम है बाबू और इस बच्चे का नाम है छोटू। बाबू के पास भैया 17 रुपए, कितने रुपए हैं, 17, 17, और छोटू के पास है 10 रुपए। ठीक है, अब मैंने क्या देखा कि भाई ये जो है 17th नंबर पर है, यानी रुपए में 17th नंबर पर है, और ये रुपए में कौन से नंबर पर है, 10th नंबर पर है। अब मैंने क्या देखा कि भाई बाबू के पास पैसे हैं ज्यादा और छोटू के पास पैसे क्या है, कम। अब छोटू बेचारा रो रहा है, बहुत बुरी तरीके से रो रहा है, देख रहे हो, ये देखो बहुत रो रहा है, ठीक है। और बाबू जो है इसके ऊपर हंस रहा है, बाबू जो है इसके ऊपर हंस रहा है, कह रहा ले भाई मेरे पास तेरे से ज्यादा पैसे हैं। तो फिर क्या हुआ भाई, छोटू के चाचा ने देख लिया कि बेचारा छोटू बहुत बुरी तरीके से रो रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि भाई अब उन्होंने आए और पूछने लग गए, भाई बाबू तेरे पास कितने रुपए हैं, तो कह रहा चाचू 17। भाई छोटू से पूछा आपके पास कितने रुपए हैं, कह रहा 10। तो कह रहा छोटू से पूछा कि क्या चाहिए, कह रहा मुझे भी इसके बराबर रुपए चाहिए। तो बस इन इन चाचा ने क्या किया, अब इन चाचा ने ये देखा कि दोनों के बीच में, यानी ये देखा कि दोनों के बीच में कितने का गैप है, या ये देखा कि अगर बाबू के पास ज्यादा रुपए हैं, छोटू के पास कम रुपए हैं, तो बाबू के पास कितने ज्यादा रुपए हैं। तो हमने देखा भाई बाबू के पास 7 रुपीज ज्यादा है, तो बस क्या किया इन्होंने, चाचा जी ने क्या किया, वही 7 रुपए का डिफरेंस छोटू को दे दिया, वही 7 रुपए का डिफरेंस क्या दे दिया, छोटू को दे दिया। और अब देखो 10 और 7 क्या हो गया, 17, तो ये भी 17, ये भी 17, और अब क्या कर रहा भाई, अब जो है ये छोटू भी हंस रहा है, ये छोटू भी क्या कर रहा है, हंस रहा है। तो क्यों, क्योंकि हमने ये देखा कि अगर हम दो टर्म को आपस में बराबर करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि जो भी बड़ी वाली टर्म जितनी ज्यादा एक्स्ट्रा है, जितनी ज्यादा एक्स्ट्रा है, छोटे वाले में उतना ही ऐड कर दो। और याद रखना, ऐड करने का काम हमेशा छोटे वाले के साथ करेंगे, बार बार इस बात को दिमाग में बिठाओ। थर्ड चैप्टर में भी यही पढ़ाया मैंने कि ऐड करने का काम और मल्टीप्लाई करने का काम, ऐड करने का काम और मल्टीप्लाई करने का काम, ऐड करने का काम और मल्टीप्लाई करने का काम क्या करते हैं, छोटे वाले के साथ करते हैं। बस हमें एक चीज की पहचान होनी चाहिए, छोटा कौन है। तो बस अगर ये पहचान आ गई तो फिर आप तो भाई अपने आप में बादशाह हो। तो चलिए शुरू करते हैं, इस एपी की भी यही कहानी है। लेट द फर्स्ट टर्म, ठीक है, माना प्रथम पद ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी, यही सेम कहानी, क्योंकि ना ए दिया है ना डी दिया है। अच्छा नाउ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक बात कही गई है, क्या कि 17th टर्म ऑफ एपी, एपी का 17वां पद, और 10th टर्म ऑफ एपी, एपी का 10वां पद, हाँ भाई दोनों के बीच में एक रिलेशन है, क्या कि 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है, यानी ये वाली चीज पहले से ही 7 ज्यादा है। तो बताओ जो एक्स्ट्रा 7 है वो मैं किस में जोड़ू, इसमें या इसमें। तो अब तुरंत बोलोगे भाई छोटे वाले में, तो छोटा कौन है, 10th, 7 जोड़ते ही दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो बस 17 का मतलब ए 17, ए 10 और 7 खोलो, ए प्लस में 16D खोलो, ए प्लस में 9D प्लस 7। बच्चों ए से ए तो ऐसे ही कट गया, प्लस का 9D इधर आके माइनस का 9D, 16 में से 9 गए 7, 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड 1, और डी की वैल्यू क्या आ गई 1, और यही हमें निकालने के लिए बोला गया है कि चलिए डी निकालिए। करो बच्चों, है ना आसान क्वेश्चन, बस आपको ये पता हो जाना चाहिए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। करो फिर अगला कराता हूं इसके बाद।
चलिए ये उतार लिया होगा आपने वीडियो पॉज करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखिए फिर से वही कहानी आ गई बच्चों आपके सामने। 11, द गिवन एपी इज, दिया गया एपी है। हाँ जी, क्या दिया गया है एपी? एपी क्या दिया गया है आपको? 3, 15, 27, 39, डेड डेड डेड। कह रहा है ये आपके पास बच्चों एपी दिया गया है, और कह रहा है कि बताओ वो कौन सा टर्म है, बताओ वो कौन सा टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज्यादा है। ठीक है, चलो तो यहां तक की बात अगर मैं बताऊं तो देखो हर एपी के क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए मैंने पहले ही बता दिया है दो चीजों की जरूरत होती है, ए की और डी की। ए और डी मैं यहां से बड़े आराम से निकाल सकता हूं। कैसे? फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। हां जी, प्रथम पद मींस ए कहां है? 3। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर। डी कैसे निकलता है? A2 - A1, A2 कितना? 15 - 3 मतलब 12। D कितना है? 12। A कितना है? 3। नाउ चलो भाई अब देखो, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो हमने निकाल लिया, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो हमने निकाल लिया, लेकिन प्यारे बच्चों क्या इससे काम बन जाएगा? नहीं बनेगा। हमारा काम किससे बनेगा? हमसे बोला गया है कि कौन सा टर्म, कौन सा टर्म मतलब क्या? एनी टर्म। यहां तक आ गई बात। 54th टर्म से 132 ज्यादा है। अब जरा मेरे लैंग्वेज को पकड़ के आप ये बात सोचने की कोशिश करो कि दोनों में से बड़ा कौन है। फिर से सुनना, कौन सा टर्म 54th टर्म से 54वें पद से 132 ज्यादा है? मतलब ये ज्यादा है, ये कम है, और कितना कम है? 132 कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? छोटा ये हुआ, बड़ा ये हुआ। कितना बड़ा हुआ? 132। तो 132 जो मैं ऐड करूंगा वो किस में ऐड करूंगा बच्चों? छोटे वाले में। तो हमें कुछ ये रिलेशन बनाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि भाई है ना, एनी टर्म इज इक्वल टू 54th टर्म। हाँ जी, कब बराबर होगा? जब 132 इसमें ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि 54th टर्म एनी टर्म से 132 छोटा है। चलिए, एनी टर्म मतलब an, 54th मतलब a 54, 132 खोलिए इसको, a प्लस में n-1d, इसको खोलिए a प्लस में 53d प्लस 132। भाई a से a तो कट गया, n हमें पता नहीं, d कितना हमारा? 12। 53, d कितना हमारा? 12, 132। चलो तो n-1 12, 53 का यानी 12 से, तो 12 × 36 और 5 = 63, 63 भाई मल्टीप्लाई करके ये आया हमारे पास। n-1 12, ऐड करेंगे 8, 6, 7। 12 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा बच्चों? डिवाइड करेगा, काटो इसे। 12 6 जा 72 और 4 इतना आ गया। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ? n-1 बराबर 64, और माइनस का 1 यहां पर आके क्या होगा? +1, इट मींस 65। n बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? 65। ठीक है बच्चों, चलिए नोट कीजिए इसको, यानी 65 टर्म वो टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज्यादा है। नोट कीजिए, फिर 15 और 16 करते हैं, 15 और 16 करेंगे। ठीक है, चलिए मिटा दूं। करते ही वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो, ठीक है? अब देखिए, अब आता क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा क्वेश्चन है, फिर इसके बाद 15 कराऊंगा। कह
डिटरमाइंड एंड द एपी, भाई एपी पता करनी है जिसका फर्स्ट टर्म 16 है और सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। चलो अब देखो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे कि एक एपी हमें फाइंड करनी है, ठीक है जी, जिसका थर्ड टर्म हमारे पास पहले से ही दिया हुआ 16, थर्ड टर्म 16, लेकिन इसके बाद एक कंडीशन दी है, क्या, कि सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, मतलब फिफ्थ टर्म छोटा, सेवंथ टर्म बड़ा, कितना बड़ा, 12। चलिए आगे देखते हैं। तो अब ना ए दिया ना डी, तो वही लेट द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या मानोगे, ए माना, प्रथम पद ए, एंड द कॉमन डिफरेंस माना सार्वंतर डी। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है थर्ड टर्म, थर्ड टर्म ऑफ एपी कितना दिया हुआ आपको, 16, इसका मतलब ए 3 बराबर 16। ओपन करो ए प्लस में 2d बराबर 16, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्यों, क्योंकि ना ए है ना डी है। नाउ अब क्या करेंगे बच्चों, जल्दी बता दो फुर्ती से। अब हम रिलेशन को देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कि सेवंथ टर्म इज क्या भाई, एक्स सेवंथ टर्म लैंग्वेज क्या लिखी हुई है देखो मैं बता देता हूं, लिखा हुआ है सेवंथ टर्म इज एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। मतलब क्या बच्चों कि सेवंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, तो मतलब बड़ा कौन हुआ, सेवंथ, कितना बड़ा हुआ, 12। तो वो एक्स्ट्रा 12 हम किसमें जोड़ेंगे, छोटे वाले में, और छोटा कौन है, फिफ्थ, तो जोड़ दो जी, हो गया बराबर। तो बस सेवंथ टर्म ऑफ एपी, एपी का सातवां पद बराबर है फिफ्थ टर्म ऑफ एपी, एपी का पांचवा पद, एपी का पांचवा पद ऐड कर देंगे 12। हिंदी में भी बोलता जा रहा हूं मैं, ठीक है, कहीं सोचो हिंदी में पढ़ाई नहीं रहे सर। A7, A5, 12। A7 मतलब A प्लस में 6D, A5 मतलब A प्लस में 4D, और ये 12। A से A कट गया, प्लस का 4D इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस का 4D बराबर 12, कितना आ गया भाई, 2D, 12। 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 6, D की वैल्यू कितनी आ गई, 6, तो लो जी, D की वैल्यू आ गई 6। अब पुट D इन इक्वेशन फर्स्ट, D का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक क्या है, A प्लस में 2D बराबर 16, ठीक है। अब आगे का बताने की जरूरत है नहीं कि D की वैल्यू आपको पहले से दी हुई कितनी, 6, मतलब दी तो नहीं है लेकिन हमने निकाल ली 6, और ये बन जाएगा 12 और ये बन जाएगा 16, प्लस का 12 इधर आके माइनस, और A कितना आ गया यहाँ पे, 4, A कितना आ गया, 4। लीजिए तो A भी आ गया, D भी आ गया, नाउ क्या बनाना बच्चों हमें, AP, और आपको पता ही है AP कैसे बनाते हैं, A1, A2, A3, A4, ये हमने बेसिक्स में सीखा है, A कॉमा A प्लस D कॉमा A प्लस 2D कॉमा A प्लस 3D कॉमा डैश डैश डैश, और यही हमारी क्या होती है, AP। अब आपके पास A भी है, D भी है, वैल्यू पुट करो, AP बन जाएगी, करो करो बच्चों। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से नोट कीजिए इसको। चलो नोट कर लिया होगा, अब क्वेश्चन देखो 15, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया आपसे कि भाई आपके पास ना दो एपी है, ठीक है, आपके पास दो एपी है, पहली एपी है 63, 65, 67 और दूसरी एपी है 3, 10, 17। तो कह रहे बताओ कि अगर इनको हम आगे बढ़ाएं तो कौन से टर्म पर इक्वल हो जाएगा, कौन से टर्म पर इक्वल हो जाएगा, मेरी बात खुद सोचो आप। भाई मान लो आप यहां पर खड़े हैं, ठीक है, और आपका दोस्त यहां पे खड़ा है, मान लो आप हो ए और आपका दोस्त है बी, और भाई हमें यहां पे पहुंचना है, किसी मॉल पे पहुंचना है, किसी मॉल पर पहुंचना है,
और हमारे बी भाई साहब एक सेकंड में दो कदम बढ़ाते हैं, लेकिन ए भाई साहब एक बार में सात कदम बढ़ाते हैं, सात कदम बढ़ाते हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, सीधी सिंपल सी बात बताओ कि भाई ऐसा एक टाइम जरूर आएगा कि नहीं आएगा जब बी और ए एक जगह पर बिल्कुल सेम टाइम पर पहुंचेंगे, ऐसा होगा कि नहीं होगा? भाई बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि ये अपने स्टेप कर रहे हैं छोटे छोटे, और इनके स्टेप्स को कवर कौन कर रहा है? हमारा ए कवर कर रहा है। कैसे? ये एक बार में दो स्टेप ले रहे हैं, ये एक बार में सात स्टेप ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि ये पांच स्टेप का फर्क अपने आप धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। और देख लेना, एक समय ऐसा जरूर आएगा जब ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में मीट कर जाएंगे। मान लो मॉल पे मीट कर गए, कहां पे मीट कर गए? मॉल पे मीट कर गए। तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि वो जो पांच पांच कदम वो एक्स्ट्रा ले रहे थे, ठीक है, तो भाई हमें क्या बोल गए कि भाई पांच पांच कदम जो एक्स्ट्रा ले रहे थे तो वह इसीलिए ले रहे थे ताकि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो अपने आप कम हो जाए और सेम टाइम पर आके वो कहीं ना कहीं मीट कर जाए। अब इसमें आप टाइम एंड डिस्टेंस मत लगाने लग जाना कि उस मान लो सर वो बीच में रुक गया या आगे बढ़ गया या पीछे रह गया, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर एपी की बात हो रही है, जब टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना तब की तब देखेंगे, ठीक है। तो बस हमें यहाँ पे ये कंडीशन बनानी है कि ए और बी एक समय पे ऐसा आएगा जब ये दोनों आपस में आके मीट कर जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब जब मीट कर जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि एपी चाहे बड़ी हो या छोटी हो, अगर हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं तो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं पर मीट कर जाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पक्का ही मीट करेगा, हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन हमें देंगे ही वैसा, क्वेश्चन हमें देंगे ही वैसा ताकि वो आराम से क्वेश्चन को आराम से असेंबल कर सकें और वो 100% मीट करे ही करे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास द फर्स्ट एपी इज, हमारे पास पहली एपी दी गई है, द फर्स्ट एपी इज, भाई पहली एपी है आपके पास 63, 65, 67, ये आपकी फर्स्ट एपी है, ठीक है भाई। चलो, अब फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, ऑफ फर्स्ट एपी, हाँ जी, क्या मानोगे इसको? ना बड़ा ए मानना, इसको क्या मानना? बड़ा ए 63, ठीक है भाई। प्रथम एपी का प्रथम पद, प्रथम एपी का प्रथम पद। अब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी, ऑफ फर्स्ट एपी, इसको मानना बड़ा डी, यानी बड़ा ए टू माइनस बड़ा ए वन। ए टू कितना है? 65, और ये 63, तो कितना आ गया? 2, तो बड़ा डी है। हिंदी में क्या लिखेंगे? प्रथम एपी का सार्व अंतर, ठीक है, यहां तक हो गया। चलो नाउ, अब द सेकेंड एपी इज, द सेकेंड एपी इज, दूसरा दूसरा एपी है, हाँ जी, यहां पे लिख लेना प्रथम एपी है, दूसरा एपी है कितना? 3, 10, 17 डैश डैश डैश, ठीक है जी। चलिए अब क्या लिखेंगे? फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड एपी, ऑफ सेकंड एपी, इसको लिख लो छोटा ए 3, दूसरे एपी का प्रथम पद, का प्रथम पद। नाउ अब कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी, सेकेंड एपी, ऑफ सेकेंड एपी, ठीक है, मतलब डी, ठीक है बच्चों। और क्या होता है ये? ए टू माइनस ए वन, ए टू कितना है? 10 माइनस 3, और ये 7, ठीक है। दूसरे एपी का, दूसरे एपी का सार्व अंतर। चलो बच्चों, तो हमें फर्स्ट एपी का भी ए और डी मिल गया और सेकंड एपी का भी ए और डी मिल गया। अब क्या करना है? अब उसने बोला है कि बताओ ये दोनों एपी अगर आगे बढ़ाई जाए तो कहां पर, कौन से nth टर्म पर, कौन से nवें पद पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो बस यानी कि इसका कोई टर्म, इस एपी का कोई टर्म बराबर है इस एपी के टर्म के, यही ये कहना चाहता है। तो बस सॉल्व कीजिए, ए प्लस में एन माइनस वन डी,
ए प्लस में एन माइनस वन डी। अब ए से एक काट मत देना, दोनों अलग हैं। बड़ा ए है 63, एन हमें पता नहीं है, डी हमें 2, ये हमारे पास 3, और डी हमारे पास कितना है 7। सॉरी, यहां जो डी है वो बड़ा डी है। चलिए, हाँ जी, तो 63 प्लस, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2n माइनस 2, 3 प्लस में अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 7n माइनस 7, ठीक है। तो 63 में से 2 गया 61, 7n, 7 में से 3 गया माइनस 4, माइनस का 4 बच्चों यहां आके प्लस का 4, और 2n यहां पे प्लस का, यहां आके माइनस का, तो 65, 7 में से 2 गया 5n, 5 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां आके डिवाइड करेगा, 5 से काटेंगे 13, 5 जा 65, ठीक है। तो बच्चों n बराबर 13, यानी 13 वो टर्म होगा, 13 वो टर्म होगा जब ये दोनों AP आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चलो अब आगे बढ़ो, करो इसे, ठीक है। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन आपको आरडी शर्मा में आराम से मिल जाएंगे, ठीक है, और आपको आरडी शर्मा में से इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको कवर करने हैं, ठीक है बच्चों। और आज मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं, आरडी शर्मा से आप ये क्वेश्चन कीजिए, डाउट जो भी आए मुझे बताइए, उसके बाद मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे क्वेश्चन कराऊंगा, 5.2 खत्म करा के 5.3 भी शुरू करा दूंगा, ठीक है। तो बच्चों ये फटाफट आप नोट कर लीजिए, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आरडी शर्मा में वो करना शुरू कीजिए, और मुझे डाउट के रूप में भेजिए, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, और आज की क्लास यहीं खत्म कर रहा हूँ।